भारतीय जनता पार्टी के मुंबई महासचिव संजय उपाध्याय ने इस वर्ष कोंकण प्रांत के लोगों को गणेश उत्सव मनाने के लिए अपने गांव पहुंचाने का निर्धार किया था। इसके चलते 50 एसटी बसेस को मुंबई से रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और रायगढ़ की ओर भेजने का तय किया गया था। संजय उपाध्याय ये जानते हैं कि कोंकण में गणेशोत्सव परिवार को जोड़ता है, रक्त संबंधों को करीब लाता है, उत्साह और खुशी का माहौल बनाता है। मेहमानों, बच्चों की मौज मस्ती, पुरानी और नई पीढ़ी के साथ बातचीत, नृत्य और गीत के कार्यक्रम, सास ससुर के जमावड़े के साथ यह एक ऊर्जावान त्यौहार है। इसी के चलते कोंकण प्रांत से मुंबई उदरभरण के लिए आते अपने कोंकण निवासी भाई बहनों को अपने गांव गणेश उत्सव में सहभागी होने के लिए आज बुधवार दिनांक 4 अगस्त 2024 को संजय उपाध्याय द्वारा विलेपार्ले पूर्व से 20 एसटी बसेस को कोंकण के लिए रवाना किया गया। यहां हम ये बताना चाहेंगे कि संजय उपाध्याय ने पहले बस चालकों का सम्मान किया और फिर बसेस को रवाना किया। आने वाले 2 दिनों में और 30 बसें रवाना की जाएगी। आप 50 बसें यहाँ पे छोड़ रहे हैं, क्या संदेश देना चाहिए? गणेशोत्सव हा कोकणासाठी फार मोठा सण असतो, पण यावेळी कोकणात जाण्यासाठी कसं जायचं हा एक मोठा प्रश्न असतो। बसेसचे भाडे 2000-3000 असे वाढले असतात आणि त्यावेळी सामान्य कोकणवासियांना गावात जाण्याकरता आम्ही विलेपार्ल्यातून 50 बसेसची व्यवस्था आज केली आहे। आज उद्या परवा असे 3 दिवशी आपण या ठिकाणाहून बस सोडणार आहोत। एसटीचा संप होता तरी सुद्धा एसटी महामंडळाने आम्हाला या बस उपलब्ध करून दिल्या, त्याबद्दल त्यांचं आभारी आहे। हे बस नियोजन आम्ही 1.5 महिन्यापासून पूर्वतयारी करून केली होती, त्यासाठी 100 रुपये ॲडव्हान्स घेतले होते आणि या सगळ्यांचा उपयोग आम्ही आदिवासी मुलांच्या अनाथालयासाठी करणार आहोत, ही सुद्धा याच्या मागे भावना। सर, हिंदी में जिस तरह से आज आप कोंकण वासियों के लिए यहाँ पर बस छोड़ी जा रही, कितनी बसें छोड़ी जा रही है और आज ही है या फिर आपके द्वारा आगे भी इस तरह की बसें छोड़ी जाएंगी, भाजपा पार्टी की तरफ से होगा या संजय जी की तरफ से? कोंकण के लिए गणेश उत्सव एक बहुत बड़ा उत्सव और कोंकण जाने के लिए उतनी ही बड़ी समस्या, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी मुंबई की ओर से 750 से अधिक और केंद्र सरकार की ओर से 450 से अधिक ट्रेन, विशेष ट्रेन कोंकण के लिए उपलब्ध करा के सरकार ने सामान्य नौकर वर्ग को गांव जाने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई है, और विलेपार्ले से भी आज हम 50 बस कोंकण के लिए छोड़ने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ सभी भक्तों के लिए है। बसेस आप देख रहे हैं कि दिन के समय एक अच्छे जगह पर, जहाँ पर किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं है, मानसून बरसात हो तो शेड की व्यवस्था भी है। 5 बजे के पहले सभी लोग अपने बस में बैठ गए हैं। दिन रहते ही हम सभी बसेस को रवाना करने वाले हैं। शासन ने टोल नाका से लेकर रास्ते की चिंता की हुई है और इन भक्तों का प्रवास सुखमय होगा, सुखद होगा, सुरक्षित होगा, ऐसी हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। दीपक, जो जिस तरह से शिवाजी की जो मूर्ति टूटी है उसको लेकर जिस तरह से विरोध कर रही है और जूता मारो आंदोलन कर रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आराध्य है। आज मैं यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ, अगर महाराज नहीं होते तो हम नहीं होते, ऐसा मेरा मत है। उनका मूर्ति का टूटना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना के लिए हम माफी मांगते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जब मुंबई में आए तो अपने भाषण की शुरुआत उन्होंने कहा, अगर हमसे गलती होगी तो महाराज के चरणों में एक बार नहीं तो 1000 बार माफी मांगनी पड़े तो हम माफी मांगेंगे। यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी। हम छत्रपति शिवाजी महाराज की माफी मांगते हैं और उस स्थान पर एक भव्य, दिव्य और युवकों को प्रेरणा दे इस प्रकार का फिर से उनका मूर्ति की स्थापना हम करने जा रहे हैं। विपक्ष अपनी राजनीति करता रहे, चुनाव है, विपक्ष के पास राजनीति के सिवाय पर्याय नहीं है, लेकिन शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं, हमारे लिए श्रद्धा का विषय है और हम उनको सामने माफ़ी मांगने में, उनको नमन करने में अपना अभिमान रखते हैं।